दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा उसके लिए प्रेडिक्शन देखेंगे और ड्रीम इलेवन की शानदार ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों हमारी ग्रैंड लीग के टीम में बैट्समैन सेक्शन में और विकेट कीपर सेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को हमें चयन करना है जो कि हमें वाइस कप्तान और कप्तान की ऑप्शन देंगे। तो जॉस बटलर को लेना है क्योंकि पहला मुकाबला उनका अच्छा नहीं रहा था, तो जॉस बटलर को हम हमारे टीम में लेने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम ऋषभ पंत को लेंगे और संजू सैमसन को हम इस मुकाबले में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो उनकी कंसिस्टेंसी उस तरीके से कंटिन्यूसली नहीं रही थी। शायद उन्होंने पहले मुकाबले में अच्छा किया था तो ज़रूर उम्मीद है कि शायद दूसरे मुकाबले में वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो बात अलग रहेगी। तो हमने ग्रैंड लीग टीम बना रहे हैं तो ग्रैंड लीग में आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो उनको हमने ड्रॉप किया है। बैट्समैन में हम लेंगे यशस्वी जायसवाल को, डेविड वार्नर को। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये दोनों ही बैट्समैन के साथ हम जाएंगे जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों आप अगर हम देखें तो अभी अक्षर पटेल, मिचेल मार्श एंड रियान पराग, आप चाहे तो रियान पराग की जगह संजू सैमसन को ले सकते हैं। मैंने संजू सैमसन की जगह रियान पराग को लिया है। बॉलर सेक्शन में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण चार बॉलर्स का इस्तेमाल करना है जो कि मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों इस पिच पर स्पिन गेंदबाजी काफ़ी बेहतर होगी और बैटिंग पिच भी है, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई एक लेग स्पिनर गेंदबाज है तो उसको अगर सपाट पिच भी दिया जाएगा तो वो अच्छी गेंदबाजी करके विकेट्स निकालता है। अगर स्पिन के लिए अच्छा विकेट रहेगा तो वो तो और बेहतर गेंदबाजी करेगा। तो इस वजह से हमने चाहल और कुलदीप यादव इन दोनों को ही हमारे टीम में रखा है। साथ में ट्रेंट बोल्ट जो कि डेथ ओवर्स में और पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे वहां हमें विकेट्स मिलेंगे, और ईशान शर्मा जो कि अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस इस आईपीएल में देते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। अभी हम कप्तान एंड वाइस कप्तान चूज करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कैप्टन की तो हम कप्तान इस मैच में बनाएंगे जॉस बटलर को, और वाइस कप्तान जो हमारे होंगे वो होंगे दोस्तों कुलदीप यादव। दोस्तों देख सकते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के बाद डीसी वर्सेस आरआर के बीच में जो मैच होगा उसके लिए हमारे ग्रैंड लीग की टीम किस तरीके से दिख रही है, आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करिए। इस टीम से आप थोड़ा सा आइडिया लीजिए और अपने खुद के रिस्क के ऊपर ही टीम लगाइएगा। दोस्तों ड्रीम इलेवन मैच प्रेडिक्शन आरआर वर्सेस डीसी हम आगे देखेंगे किस तरीके से और क्या कुछ हमें इस मैच से रिलेटेड और भी अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो आईपीएल का नौवां मुकाबला खेला जाएगा उसके लिए हमने ड्रीम इलेवन की एक बेहतरीन ग्रैंड लीग की टीम आपको बना के दिखाई है। उस टीम से एक आप आइडिया लीजिए और उस तरीके से आप थोड़ा सा अपने तरफ से चेंजेस करके ही टीम लगाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा और अपने खुद के रिस्क के ऊपर के लिए। बाकी देखिए आरआर वर्सेस डीसी का मैच काफ़ी ब्रिलियंट होगा। इस मैच में अगर हम बात करें तो पिच रिपोर्ट जो दिखा रहा है लगभग 180 का एवरेज स्कोर पिछले 5 मैचों में दिखा रहा है, इसका मतलब इस मैच में ज़रूर हमें रनों की बरसात देखने को मिलेगी। मतलब कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मज़ेदार ये पिच रहने वाला है। दूसरी ओर दोस्तों अगर हम बात करें तो स्पिन गेंदबाजी भी जिसमें कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जो कि दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए इस मैच में नज़र आ सकते हैं, जो कि दोस्तों उनके लिए दोनों के लिए ही काफ़ी बढ़िया ये पिच हमें देखने को मिलेगी क्योंकि स्पिन यहाँ पर अच्छे तरीके से होगा। साथ में ग्राउंड भी बड़ा है, चौके छक्के लगाना उतना आसान नहीं है, इसका मतलब स्पिनर्स के अगेंस्ट आप अगर बड़े शॉट्स लगाने जाएंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी स्पिन गेंदबाजी के साथ अगर आप जाएंगे उनको किसी एक को भी देखिए मेरे टीम की से सिर्फ आइडिया लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और दो ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए वो चहल एंड दोस्तों कुलदीप यादव भी बन सकते हैं, अक्षर पटेल भी उसमें एक ऑप्शन रहेंगे। तो इन तीनों में से भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन अलग अलग तरीके से बना सकते हैं दो तीन टीमें लगा के, क्योंकि यहाँ भी आपके लिए काफ़ी ड्रीम इलेवन में बड़ा ऑप्शन रहेगा। दो तीन टीम लगाएंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा आपका जीतने का, लेकिन मैं आपको बताऊँ आप अपने खुद के रिस्क के ऊपर खेलें और जितना आप मतलब कि अगर टीम हार जीत भी नहीं जाती अगर लॉस हुआ तब भी आप उसको झेल सकते तो उस तरीके से उतना ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की लालच में मत आइएगा। अगर आपकी पिछली मैच में टीम थोड़ी सी काफ़ी क्लोज जाके हारी है तो उसका लालच आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखाना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको एक अच्छे तरीके से देखिए जैसे कि आप ड्रीम इलेवन में जब भी टीम लगाते हैं तो आप एक सोचते हैं कि यार मेरे ये 11 खिलाड़ी रहेंगे, तो उसी तरीके से आप जब
आईपीएल का सीजन खेलते हैं, तो उसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है कि यार मेरे ये 15 मैचेस रहेंगे, इन 15 मैचों में ही मैं अपनी टीम लगाऊंगा और मुझे लगता है कि ये 15 मैच मैं जैसा सोच रहा हूँ उसी अंदाज के साथ खेले जाएंगे। तो उस तरीके से आपको ये भी थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना है, जिससे क्या होगा ना कि आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा कि ड्रीम इलेवन में आप मतलब कि अच्छे तरीके से विनिंग करने में साथ में बाकी के अपडेट्स के लिए भी अच्छा ये बात आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप देखा आपने सुना किस तरीके से हमने प्रेडिक्शन आपको बताया है। आने वाले समय में आईपीएल के जो भी हाइलाइट्स रिव्यू एंड मैच के अपडेट्स रहेंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आरआर वर्सेस डीसी मैच नंबर 9 आईपीएल का खेला जाएगा, उसके लिए मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आपने ज़रूर दोस्तों लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आरआर वर्सेस डीसी के बीच में टीम कौन सी जीतेगी इसके बारे में आपको क्या लगता है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी दोस्तों सनराइज़र हैदराबाद की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सनराइज़र हैदराबाद ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बैटिंग का प्रदर्शन मुंबई इंडियंस के खिलाफ किया है, जिसमें हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट काफ़ी बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सभी खिलाड़ी नज़र आए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो ट्रैविस हेड और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अभिषेक शर्मा ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन किया है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें लगभग 14 ओवरों में वहाँ पर भी 190 रन बने, तो आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार तरीके से बैटिंग प्रदर्शन हमें देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आईपीएल में हमें अगर मुकाबले देखने को मिलते रहेंगे तो कंटिन्यूसली हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो ज़रूर आईपीएल में अभी जो आरआर वर्सेस डीसी के बीच में मुकाबला खेला जाएगा उसमें कौन सी टीम जीतेगी ये कमेंट सेक्शन में आपके तरफ से मैं कीमती राय ज़रूर जानना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें ये मुकाबला काफ़ी बेहतर तरीके से होगा। दूसरी ओर दोस्तों अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया अंदाज के साथ दोनों ही टीमें परफॉर्मेंस हमें करती हुई नज़र आएंगी, दोनों ही टीमों की मतलब कि आरआर एंड डीसी दोनों ही अच्छा खेलेंगे तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। दिल्ली राजस्थान आईपीएल मैच प्रेडिक्शन। और दोस्तों आपको क्या कुछ अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में आपकी कीमती राय ज़रूर बताना। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस टीम की बात करें तो उनका सनराइज़र हैदराबाद के खिलाफ उस तरीके से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को हमें मिला है, लेकिन मुंबई ने वहाँ पर बॉलिंग करने का सबसे पहले फैसला लिया था, ये फैसला उनका गलत साबित हो चुका है, तो ये भी हमने देखा। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो इसी तरीके से मैं आपके लिए शानदार तरीके से आईपीएल के मैच हाइलाइट्स रिव्यू एंड प्रेडिक्शन भी लेके कंटिन्यूसली आता रहूँगा, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि क्या है ना दिल्ली राजस्थान जो आईपीएल का मैच प्रेडिक्शन रहेगा वो काफ़ी बेहतर तरीके से मैंने अभी तक तो आपके लिए बनाया है, मतलब कि यहाँ पर कि किस तरीके से ये मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, क्या रहेगा पिच रिपोर्ट, वो भी सभी बताया है। ग्रैंड लीग का एक बेहतरीन टीम बना के भी आपको मैंने दिखाया है। दूसरी ओर दोस्तों अगर हम बात करें तो दिल्ली की टीम इस मुकाबले में थोड़ी सी राजस्थान के कंपेयर में कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन मैदान में जो कुछ खेला जाएगा वही फाइनल हमें देखने को मिलता है, जो टीम अच्छा करेगी वो टीम जीतती है, ये तो हमने कई बार देखा भी है। दोस्तों अगर हम बात करें तो दिल्ली वर्सेस राजस्थान के बीच में हमें ये मुकाबला तो ज़रूर शानदार देखने को मिलेगा, लेकिन एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की हम उम्मीद यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों हाई स्कोरिंग अगर मुकाबला होता है तो फैंस के लिए भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि दोस्तों हमने एमआई वर्सेस एसआरएच के बीच में मुकाबला देखा, जिस तरीके से वो मुकाबला देखने को मिला था काफ़ी कमाल और धमाल उस मुकाबले में दोनों ही टीमों की तरफ से परफॉर्मेंस रहा। दूसरी ओर दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए आईपीएल में अगर हम देखें तो मुकाबले काफ़ी शानदार कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलते ही हैं और उम्मीद करेंगे दिल्ली राजस्थान का मैच भी काफ़ी बढ़िया होगा। बाकी इस मैच की जो महत्वपूर्ण प्रेडिक्शंस हैं वो तो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर किया है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहिएगा और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करके रखिएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी कमेंट में ये भी बताना, और दिल्ली राजस्थान प्लेइंग 11 आउट होने के बाद थोड़ा सा अगर हमारे टीम में से कोई खिलाड़ी अगर नहीं खेलता है तो उसको भी आप अपने टीम में रखिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो भी आप अगर मतलब कि कोई अगर वहाँ पर गलती करते तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर मतलब कि वहाँ पर एक अगर प्लेयर मिस हो जाता है ना तो ग्रैंड लीग में जीत हासिल करना काफ़ी मुश्किल बनता है, तो वो आपको मुझे लगता है कि ज़रूर ध्यान में रख के टीम बनाना है ग्रैंड लीग का।
ग्रैंड लीग में आपको थोड़ा सा रिस्क को हमेशा ही रहेगा, क्योंकि क्या है ना ग्रैंड लीग में आप अगर मतलब कि रिस्क नहीं लेंगे तो उसका मतलब कि कोई मतलब भी नहीं बनता। देखिए मतलब में मतलब कि यहाँ पर मुझे कहना था कि शायद आप अगर सेफ टीम के साथ जाएंगे, मतलब कि देखिए सेफ मतलब कि मेरा कहना क्या था कि आपने सभी बैट्समैन दोनों टीमों के अच्छे लिए, बल्ले गेंदबाज दोनों ही टीमों के अच्छे लिए, और एक भी प्लेयर को बड़ा मिस नहीं, जो बड़ा प्लेयर है उसको मिस नहीं किया, तो ऐसे आप ग्रैंड लीग नहीं जीतेंगे। आपको कोई ना कोई एक बड़ा खिलाड़ी है जिसको कभी ना कभी तो मिस आपको मतलब कि आपके टीम से करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको ग्रैंड लीग में वो उस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों आपने SRH MI मैच एंजॉय किया या फिर नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन हमें SRH की तरफ से देखने को मिला है। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें दिल्ली राजस्थान IPL का मुकाबला, कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट सेक्शन में आपकी कीमती राय हमें ज़रूर बता देना। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।